अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब बच्चों। आज हम उर्दू पढ़ेंगे और उर्दू में हमने अपनी क्लासेस में हम का टॉपिक कर लिया था, ठीक है। और हमने हम का मश्क भी जो है वो वर्ड बुक में मुकम्मल कर ली थी, ठीक है बच्चों। ये दोनों सफ़े, सफ़ा नंबर एक और सफ़ा नंबर दो, हम अपनी वर्ड बुक में मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम अपनी नोटबुक में काम करेंगे। तो बच्चों, सब बच्चे अपनी अपनी उर्दू की नोटबुक निकाल लीजिए। अब आपने करना क्या है, आपने अपनी नोटबुक को खोलना है, ठीक है। यहाँ पे आपने एक खूबसूरत सा टाइटल पेज बनाना है, मीकाते अव्वल, ठीक है। मीकाते अव्वल का आप टाइटल पेज बनाएंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा हम्द का बनाएंगे। हमने हम्द का काम करना है ना, तो हम हम्द का बहुत खूबसूरत सा टाइटल पेज बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे तारीख डालनी है, जो आज हमारी तारीख है। एक पेंसिल और स्केल की मदद से आप यहाँ पे बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और अगर आपसे नहीं हो तो इसमें आप अपनी मम्मा की मदद ले सकते हैं, ठीक है। और अपने पास आपने एक ब्लू कलर रखना है, और यहाँ पे हम आज करेंगे अल्फाज मायने, ठीक है, जो कि हम वर्ड बुक में भी कर चुके हैं, ठीक है। तो आपने बहुत खूबसूरत से यहाँ पे लिखना है अल्फाज, बहुत प्यारे तरीके से आपने काम करना है। कोई काम गंदा नहीं करेगा, वरना आपकी कॉपी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अल्फाज, लाइन को बिल्कुल आप लाइन पे अच्छा अच्छा लिखेगा। अब हमारे पास पहला लफ्ज़ क्या है, ये हम ब्लू कलर से पहला एक नंबर एक डालेंगे। अब आप लोग सब अपने पास पेंसिल पकड़ लीजिए, ठीक है। हमारा पहला लफ्ज़ है तौफीक। पहला लफ्ज़ क्या है, तौफीक। यहाँ पे हम ऐसे बीच की दो लाइनों में हम लिखेंगे ऐसे, तो आगे लेकर आए लाइन के ऊपर, बहुत प्यारा प्यारा, बहुत आराम से, बहुत प्यारा प्यारा काम करना है। तौफीक, और तौफीक का मतलब है हिम्मत, ताकत। बच्चों, ये अल्फाज के मायने हम वर्ड बुक में भी कर चुके हैं, और ये बार बार कराने का मकसद है कि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। अच्छा, मैंने ये लाइन क्यों डाली है, मैंने इसलिए डाली है कि तौफीक का मतलब हिम्मत भी होता है और ताकत भी होता है। ये दोनों अलहदा अलहदा लफ्ज़ हैं, लेकिन इनके मायने एक ही हैं, ठीक है। तो आप हिम्मत लिखेंगे खाली तो भी ठीक है, और ताकत लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन अभी आपने अपनी नोटबुक में ये दोनों लिखने, हिम्मत भी और ताकत भी। अब हमारे पास दूसरा लफ्ज़ है, हमने ब्लू कलर लिया, यहाँ पे नंबर दो डाला, ठीक है। उर्दू में दो ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और हमारे पास दूसरा लफ्ज़ है सदा। सदा, सदा का मतलब क्या है, किसी ने याद किया है चैप्टर, हमेशा। सदा का मतलब है हमेशा। देखा बच्चों, कितना साफ़ सुथरा और प्यारा काम हो रहा है। आपने भी इसी तरह ही अपना काम करना है। अब हमारे पास अगला लफ्ज़ है, और हमारे पास नंबर तीन है, ये हम ब्लू कलर से लिखेंगे। हमारे पास है नेकी। जी बच्चों, नेकी का मायने क्या है, अच्छा काम। अब हमारे पास अगला क्या है, नंबर चार पे भला। भला मतलब अच्छा। नंबर पाँच पे है खिदमत। खिदमत का मतलब है ख्याल रखना, ठीक है बच्चों। तो आपने अपना काम इसी तरीके से करना है, देख लें इसको बहुत प्यारे तरीके से। अच्छा बच्चों, अब हमने जब हमने अपनी नोटबुक खोली थी, तो हमारे पास सबसे पहले ये सफ़ा आया था। कोई बताएगा इसका क्या काम है, ठीक है। इसमें हम ये इंडेक्स होता है, यानी कि जो जो काम हम करते हैं उसका हम नाम यहाँ लिखते जाते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने आज कौन से सबक का काम किया है, हम्द का, तो हम यहाँ लिखेंगे वन
जो भी हमारी तारीख़ है, ठीक है, जो भी जिस तारीख को भी आपने ये काम किया है, जैसे पाँच, जैसे आपने आज 5 अगस्त को काम किया है, तो आप यहाँ पे 5 अगस्त लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उनवान, हमारा उनवान क्या है, हमने किस कौन से चैप्टर का काम किया है, कौन से सबक का, हम्द का। जी, चैप्टर को उर्दू में हम सबक भी कहते हैं, ठीक है। और सबक का उनवान यानी कि उसका नाम क्या है, वो है हम्द, ठीक है। ये आपने छोड़ देना है और ये भी छोड़ देना है। यहाँ पे टीचर अपने साइन करेगी, दस्तखत टीचर यानी कि टीचर अपनी साइन करेगी, और यहाँ पे आपके पेरेंट्स साइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जो है बच्चों, इस तरह से आप लोगों ने इंडेक्स फिल करना भी सीखना है। अब जब हम दूसरा सबक करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 2 और उसकी तारीख डालेंगे और सबक का उनवान लिखेंगे, ठीक है बच्चों। एक दफ़ा हम फिर से रिव्यू देख लेते हैं। हमने किया हम, इंडेक्स फिल किया, फिर हमने बहुत खूबसूरत सा मिकाते अवल लिखा है। टीचर ने सिर्फ कलर पेंसिल से लिखा है, लेकिन आप लोगों ने बहुत प्यारा सा उसको बनाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा रंगों का इस्तेमाल ना कीजिएगा। फिर आपने हम का सर्वर्क सफ़ा बनाना है यानी कि टाइटल पेज बनाना है, और उसके बाद आपने अल्फाज के मायने करने, लेकिन यहाँ पे तारीख ज़रूर डालिएगा, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चे अपना काम अच्छे से करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।